हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम राज। गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज होकर आया है तो बहुत सारे ऐसे नए नए क्रिएटर हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि यहाँ पर हम जब नॉन स्कीपेबल या स्कीपेबल ऐड को अनटिक कर देते हैं तो हमारे चैनल पर कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा नहीं होगा। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स की आप वीडियो देखते हो, चाहे वो बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देख रहे हो आप या फिर जिनके चैनल पर 80,000 या 1,00,000 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, वो भी अपनी वीडियो में यही बताते हैं कि आपको अपने वीडियो में आपको स्कीपेबल और नॉन स्कीपेबल ऐड नहीं लगाना, उनको आपको अनटिक करके रखना है। तो क्या ये बात सच है या फिर फेक बात है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर है, क्रिएटर है जिनके चैनल अभी मोनेटाइज हुए और किसी के चैनल 2-3 महीने पहले ही मोनेटाइज हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो के अंदर में स्कीपेबल और नॉन स्कीपेबल ऐड को लगाया ही नहीं है, उन दोनों को अनटिक करके रखा हुआ है, टिक करके नहीं रखा है, जो कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं इसमें टिक करके रखा हुआ है। और बहुत सारे मेरे जो क्रिएटर है, मेरे जो दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो व्यूअर है, उन्होंने यहां पर अनटिक करके रखा हुआ है स्कीपेबल ऐड को, नॉन स्कीपेबल ऐड को, और जो कि ये दोनों काफी महंगे ऐड है। तो यहां पर क्या ये सच बात है कि अगर हम इन दोनों को अनटिक करके रखते हैं तो कभी भी हमारे चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि तो आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखते हो, चाहे उसके चैनल पर 80,000 1,00,000 सब्सक्राइबर है या 1,000,000 सब्सक्राइबर है, वो अगर आपको अपनी वीडियो में बता रहा है कि नॉन स्कीपेबल और स्कीपेबल ऐड को अनटिक करके रखना चाहिए जिसकी वजह से आपके चैनल पर कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा नहीं आएगा, तो उसकी बात सरासर गलत है और आप लोगों ने उसकी बातों में आकर अपने चैनल पर अर्निंग को लो कर लिया है, क्योंकि आपकी अर्निंग बहुत कम हो रही होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं जो बताने वाला हूं उसको हमेशा करते रहना है, आपको कभी भी डरना नहीं है और इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा कभी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है, जब वीडियो आप अपलोड करते हो, जब उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करते हो, तो यहां पर ये जो स्कीपेबल और नॉन स्कीपेबल, इन सब में पहले से ही टिक लगा होगा यूट्यूब की तरफ से, ठीक है? यूट्यूब ने पहले ही इन सब, ये जो सारे ऐड है आपकी वीडियोस पर लगा दिया होगा, तो आपको यहां पर कोई भी किसी भी ऐड को अनटिक नहीं करना, चाहे वो स्कीपेबल हो चाहे वो नॉन स्कीपेबल हो, वरना आपकी अर्निंग बहुत कम होगी और हो सकता है कि आपका जो $100 का जो सपना है वो शायद मुझे लगता है साल डेढ़ साल में होगा। इसलिए स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल महंगे ऐड है और इन सब सारे एड्स जो है पहले से ही, जैसे ही आप ऑन करते हो ऐड को, तो इन सब पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ आ जाता है और आपको इनमें से कोई भी स्कीपेबल हो या नॉन स्कीपेबल हो, किसी को भी अनटिक नहीं करना है, वरना आपकी अर्निंग बहुत स्लो होगी। अब बहुत सारे क्रिएटर के दिमाग में होगा अगर हम स्कीपेबल और नॉन स्कीपेबल ऐड को अनटिक नहीं करेंगे तो हमारे चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा ऐसे नहीं आता है, क्योंकि यूट्यूब खुद बोलता है कि आप ये सारे ऐड ऑन करो और यहां पर मिडरोल ऐड का आपको ऑप्शन मिलता है उसको भी ऑन करो, जिससे आपकी वीडियो पर जो भी ऐड लगे, जो भी आपके व्यूअर आपकी वीडियो का जो ऐड देखेंगे उससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। बट यहां पर अफवाह उड़ा दिया है कि स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल ऐड को लगाने से इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा होता है, तो ये सरासर गलत है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपने YouTube चैनल क्यों बनाया है? YouTube से पैसा कमाने के लिए? आप अपना ये चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वॉच टाइम करते हो, फिर मोनेटाइजेशन करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि मेरी वीडियोस को लोग देखेंगे और उसका जो ऐड है उसको देखेंगे और मेरी वीडियोस पर अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल ऐड को अगर आप हटा देते हो, अनटिक कर देते हो, तो आपकी अर्निंग बहुत ही कम होगी, तो इससे फायदा क्या होगा? तो इसीलिए आपको सारे ऐड लगाने अपने वीडियो में, स्कीपेबल भी नॉन स्कीपेबल भी, सारे ऐड ये टिक लगे हुए आ जाएंगे ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से। और आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है मिडरोल ऐड लगाने का, जो कि 8 मिनट से ऊपर वाली वीडियो के लिए होता है वो। अगर आपके आपकी कोई भी 8 मिनट से ऊपर तक की वीडियो है तो आप यहां पर मिडरोल ऐड लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 10 मिनट तक की वीडियो तो वहां पर 3-4 लगा सकते हो मिडरोल ऐड, इससे और भी ज्यादा अर्निंग होगी आपकी। तो यहां पर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा कब आता है? कि जब आप अपने घर में अपने 4-5 फोन से या 3-4 फोन से अपनी वीडियो को खुद देख रहे हो और यहां पर उस वीडियो का ऐड भी खुद देख रहे हो, तब आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा होता है। या फिर कोई अदर ऐसा पर्सन जो जानबूझ के दुश्मनी निकाल रहा है आपसे और बार बार अपनी आपकी वीडियो को क्लिक कर रहा है, उसका ऐड भी देख रहा है, फिर क्लिक कर रहा, फिर ऐड कर रहा, इस तरीके से भी करता है, तब भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा होता है। लेकिन यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो समझ जाता है अगर आपकी तरफ से गलती होती है तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का खतरा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी वीडियो को नहीं देखना जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आ जाता है तो, और आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, आप सारे इन एड्स को ऑन कर सकते हो और अपने वीडियो में लगा सकते हो, क्योंकि इसी से आपकी अर्निंग बढ़ेगी गाइज।
गाइज आप लोग मुझे ही देख लो कि मैं अपनी सारी वीडियोस का ये जो ऐड है उसको ऑन करके रखता हूँ, चाहे स्किपेबल हो चाहे नॉन स्किपेबल हो चाहे मिड रोल ऐड हो, उन सबको ऑन करके रखता हूँ अगर मेरी वीडियो 8 मिनट से ऊपर तक की होती है। मैं क्या गलती नहीं करता, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से अपनी वीडियो को नहीं देखता हूँ, ना अपने उस वीडियो का ऐड देखता हूँ, ना अपनी फैमिली में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से अपने किसी मम्मी या सिस्टर का फ़ोन लेकर अपनी वीडियो को देखता हूँ या उस वीडियो का ऐड देखता हूँ। अगर मैं ऐसी गलती करता हूँ, बार बार ऐसी गलती करता हूँ, तो इनवैलिड के लिए एक एक्टिविटी आ जाता है जिसके वजह से हमारा मोनेटाइजेशन परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझा दिया कि स्किपेबल नॉन स्किपेबल ऐड का मतलब क्या होता है और उसको क्यों लगाना जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी ऐसी जनमन वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं वीडियो में। ओके बाय।